हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या होता है, इसके पाथवे को कैसे आपको पढ़ना है, कैसे समझना है और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, उसकी ट्रिक भी मैंने उस वीडियो के थ्रू बताई थी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करूंगा, जिससे रिलेटेड नॉलेज आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। और वो है पाश्चर इफेक्ट, क्रैबट्री इफेक्ट और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का कैंसर से क्या रिलेशन है। इन तीनों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाश्चर इफेक्ट का। तो देखिए, सीधे साधे शब्दों में अगर पाश्चर इफेक्ट की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद हो जाता है या रुक जाता है। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन इफेक्ट होता है या ऑक्सीजन आती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती है वो इनहिबिट होने लग जाती है, वो बंद हो जाती है। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्यों होता है। और बेसिकली इसी को ही पाश्चर इफेक्ट कहा जाता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का बंद हो जाना ही पाश्चर इफेक्ट। देखिए, पाश्चर इफेक्ट की जो खोज थी वो लुईस पाश्चर ने करी थी। जी हाँ, लुईस पाश्चर ने इसकी खोज करी। और देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था ये 100 साल पहले किया था, मतलब इसको कम से कम एक सेंचुरी हो चुकी है। तो उस समय वो क्या कर रहे थे कि जो यीस्ट होती है, यीस्ट की फर्मेंटेशन के ऊपर वो काम कर रहे थे, ठीक है। और वो यीस्ट फर्मेंटेशन पे जब वो काम कर रहे थे तो वो एनारोबिक कंडीशन में कर रहे थे, मतलब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। बट जैसे ही उन्होंने यीस्ट को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए या ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कराई, वैसे ही वहां पर जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी वो रुक गई। और कम से कम 7 गुना ये प्रोसेस थी वो रुक चुकी थी। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तब यीस्ट के फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है या जो ग्लूकोज का यूज हो रहा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। बट जैसे ही इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए तो वहाँ पर जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन था, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन मतलब ग्लाइकोलाइसिस, तो उस समय यहाँ पर जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन था वो रुक गया। किसकी प्रेजेंस की वजह से? ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। इसी इफेक्ट को उन्होंने क्या बोला? पाश्चर इफेक्ट बोला। और लुईस पाश्चर की वजह से, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस का पता किसने लगाया था? लुईस पाश्चर ने लगाया था, इसीलिए इस इफेक्ट को उनकी नाम की वजह से क्या बोला जाता है? पाश्चर इफेक्ट। तो देखिए, इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम और आगे समझते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है तो वहाँ पर चौथे नंबर पर एक इंटरमीडिएट बनता है, उसे बोला जाता है फ्रक्टोस 1,6-बिसफॉस्फेट। यहाँ साइड में भी मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर एक कंपोनेंट बनता है, और ये कंपोनेंट जो है वो किस एंजाइम की वजह से बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एंजाइम होता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस, और इस एंजाइम की वजह से ये कंपोनेंट बनता है। तो इसी प्रोसेस, मतलब जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस साइकिल यहां पर रुकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो कंपोनेंट है जो कि चौथे नंबर पे बन रहा है और किस एंजाइम की वजह से बन रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, इस एंजाइम की एक्टिविटी ऑक्सीजन की वजह से रुक जाती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वहीं पर रुक जाता है। और बेसिकली ये जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ये जो चौथा नंबर का जो कंपोनेंट है फ्रक्टोस 1,6-बिसफॉस्फेट, ये क्यों रुक जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी क्यों रुक जाती है, इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए पाश्चर इफेक्ट दिया गया है। मतलब हमने पाश्चर इफेक्ट के अंदर इसी प्रोसेस को हमने समझा है। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी कि पाश्चर इफेक्ट क्या होता है और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पाश्चर इफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही जवाब देना है। अगला जो हमारा साइकिल है वो है क्रैबट्री इफेक्ट। जी हाँ, क्रैबट्री इफेक्ट की बात करें तो ये, इसको सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो ये पाश्चर इफेक्ट का उल्टा होता है। पाश्चर इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे ही ऑक्सीजन आती थी हमारा ग्लाइकोलाइसिस रुक जाता था, और वहीं क्रैबट्री इफेक्ट के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन रुक जाता है जब टिश्यूज को ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है एरोबिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया, वहां पर ऑक्सीजन आ रही थी तो ग्लाइकोलाइसिस रुक रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, आप टिश्यूज को ग्लूकोज दे रहे हो ग्लाइकोलाइसिस के लिए तो ऑक्सीजन का कंजप्शन रुक रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ऑक्सीजन आई, ग्लाइकोलाइसिस रुक गया, यहां पर ग्लूकोज दिया, ऑक्सीजन रुक गई या ऑक्सीजन का जो यूज था वो इनहिबिट हो गया। तो क्रैबट्री इफेक्ट जो होता है वो पाश्चर इफेक्ट का क्या होता है, एक तरीके का अपोजिट होता है। और देखिए, क्रैबट्री इफेक्ट क्यों होता है, हम जो टिश्यूज हैं वो ग्लूकोज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का कंजप्शन कम क्यों कर देती हैं, उसका रीजन ये होता है कि जब हमारी सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज हो जाती है, और एक तरीके की कंपटीशन की तरह ग्लाइकोलाइसिस काफ़ी तेजी से होता है, मतलब ग्लूकोज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ग्लूकोज का जब कंजप्शन होता है, या उसका कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोज का डिसोल्यूशन, ग्लूकोज का घुलना,
तो होता यह है कि जब आप ग्लूकोज या ग्लाइकोलाइसिस काफी तेजी से करेंगे सेल के अंदर, तो उसको दो चीजों की आवश्यकता होती है, वो होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनएडी प्लस। इन दो चीजों की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। बट इन दोनों चीजों का यूज दूसरी जगह भी होता है, एक होता है फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेशन में भी। तो हमारी बॉडी में फॉस्फोरिलेशन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इन दोनों प्रोसेस को भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनएडी प्लस की आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी जो क्या करती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को स्लो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्लो नहीं होगी तो पूरी की पूरी एनएडी प्लस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन यूज़ कर लेगा, ग्लाइकोलाइसिस यूज़ कर लेगा। और यहाँ पर जो हमारी फॉस्फोरिलेशन जो प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उनको ये दोनों चीज़ें नहीं मिल पाएगी। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, जिससे कि जो एनएडी प्लस है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेशन के लिए भी प्रोवाइड हो, इसी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है वो कम कर देती है। समझ गए मेरी बात को कि क्रेबट्री इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। बट आपको याद रखने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि क्रेबट्री इफेक्ट जो होगा वो पाश्चर इफेक्ट का उल्टा होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो ये है कैंसर से रिलेटेड है। जी हाँ, ग्लाइकोलाइसिस कैंसर के अंदर यानी कैंसर पेशेंट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और खासकर कैंसर सेल में। देखिए, कैंसर सेल को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ग्लाइकोलाइसिस से मिलेगा। तो जिस भी पेशेंट्स को कैंसर होता है, जिसकी या मतलब जिस पेशेंट के अंदर कैंसर है और जिसके अंदर भी कैंसर सेल्स ग्रो कर रही हैं काफ़ी तेज़ी के साथ में, वो क्या करती हैं कि पूरी बॉडी का ग्लूकोज वो खुद यूज़ करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अब इस केस में क्या होता है कि जब सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो कहाँ जा रहा है, आपकी कैंसर सेल के पास जा रहा है। वहाँ पर जब कैंसर सेल जो है वो इतना ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस कर रही है, तो उस कंडीशन में बॉडी की जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो भी फिर ग्लाइकोलाइसिस के लिए यूज़ होगी। मतलब कैंसर सेल क्या करेंगी, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगी। बट होता यह है कई बार कि यहाँ पर ये जो कैंसर सेल है ये तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बट हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे बॉडी की दूसरी सेल भी यूज़ करती है, हमारे अलग दूसरे यूज़ के लिए भी वो ऑक्सीजन आती है। इसका मतलब ये है कि उन कैंसर सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जितनी उनको चाहिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है वो सेल्स जिनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। बट ये सेल जो है, मतलब ये जो कैंसर सेल्स होती हैं, ऑक्सीजन ना मिलने के बावजूद भी ग्रो करती चली जाती हैं और अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं। कम ऑक्सीजन की वजह से भी ये ग्लाइकोलाइसिस करती हैं, मतलब इनके अंदर एक अडॉप्शन आ जाता है कि ऑक्सीजन की कम मात्रा होते हुए भी ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को करती हैं, ग्लूकोज का यूज़ करती हैं, अपनी ग्रोथ करती हैं। अब इस केस को बोला जाता है हाइपोक्सिया ग्लाइकोलाइसिस, और हाइपोक्सिया ग्लाइकोलाइसिस होता है एक फैक्टर की वजह से जिसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इसका नाम होता है HIF। दिया HIF ये फैक्टर होता है जिसका फुल फॉर्म है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HIF, जिसकी वजह से ये हाइपोक्सिया ग्लाइसोमिया हो पाता है। और ये फैक्टर केवल दो चीज़ें करता है जिसकी वजह से ये हाइपोक्सिया ग्लाइकोलाइसिस हो पाता है, और ये दो चीज़ें होती हैं ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स को ये सिंथेसाइज करता है, मतलब जो भी एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनका सिंथेसिस करता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के लिए उन सेल्स तक पहुँचा सके वो ट्रांसपोर्टर्स भी प्रोवाइड कराता है। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये प्रोवाइड करा रहा है, एक तो एंजाइम्स दे रहा है आपको और साथ ही साथ ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स भी दे रहा है जो ग्लूकोज को लेके उन सेल्स तक पहुंचा रहे हैं, मतलब जो हमारे कैंसर सेल्स हैं वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो इस HIF फैक्टर की वजह से ये हाइपोक्सिया ग्लाइकोलाइसिस हो पाता है। बट सो बात की एक बात, अगर कैंसर सेल को ग्रो करनी है तो उनको वैस्कुलराइजेशन ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होती ही होती है, भले ही कम मात्रा में हो बट होगी ही होगी। तो क्या होता है कि जो कैंसर की जो दवाइयाँ बनती हैं, तो कई दवाइयों का मोड ऑफ एक्शन यही होता है कि वो कैंसर सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करने देती हैं। समझ रहे मेरी बात को, कि जो ऑक्सीजन भले कम मात्रा में भी जो ऑक्सीजन जा रही है, ये जो दवाइयाँ होंगी ये उन ऑक्सीजन को भी रोक देंगी, जिससे कि कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर पाएंगी जिससे कि उनको ग्लूकोज प्रोवाइड हो और उनकी ग्रोथ हो, जिससे कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से भी
कैंसर्स की दवाइयाँ बनाई जाती हैं या कैंसर्स की ड्रग्स बनाई जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट साइकिल है। अगर और इसी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से कैंसर्स की दवाइयाँ बनाने में भी काफ़ी हेल्प हुई है। तो ग्लाइकोलाइसिस का कैंसर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है और इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाया भी है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैंने बिल्कुल कोशिश करी है कि तीनों चीज़ें पाश्चर इफेक्ट, क्रैबट्री इफेक्ट और कैंसर और ग्लाइकोलाइसिस, ये तीनों चीज़ें मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको समझा सकूं। फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस पे उनके ऊपर भी बात जरूर करूंगा। फिर भी अगर ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे